डियर NPTEL यूजर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन चार तरीके का होते हैं। एक होते हैं रीडिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा होता है मेमोराइजेशन, तीसरा होता है इम्प्रॉम्प्टू और चौथा होता है एक्सटेम्पोरेनियस। तो इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है रीडिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। रीडिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब है कि आपके पास पूरी स्पीच एक पेपर पर लिखी हुई है और आपको उसमें देखकर बोलना है। जैसे कि हमारे देश की एक बहुत पॉपुलर लीडर है मायावती जी, वो अपनी स्पीच डिलीवरी जो करती हैं वो इसी मेथड से करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रीडिंग फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट। अब इस चीज़ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाते ऑडियंस के साथ, आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लगता है क्योंकि आप लगातार पेपर की तरफ देख रहे हो, अपनी आंखों को रोटेट नहीं कर रहे हो। फिर आता है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्या होता है कि आपने पूरी स्पीच को मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, उसके बाद आपने जाकर डिलीवर कर दिया। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आपकी मेमोरी फेल हो गई, मतलब अगर आप कोई चीज़ भूल गए, तो फिर आप वहाँ पर अटक जाओगे, बोल नहीं पाओगे। फिर आता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? अनप्रिपेयर्ड और अनप्लान्ड होता है, एकदम स्पॉन्टेनियस कि आपको किसी ने बुलाया कि सर आइए और इस टॉपिक पे कुछ वर्ड्स कहिए। अब आपने क्या करना है, उस टॉपिक पे कुछ वर्ड्स को, मतलब कुछ वर्ड्स बोलने। जैसे कि आपको किसी ने बुला लिया, आप किसी मीटिंग में बैठे हो और आपसे कहा कि सर आइए ताजमहल पर कुछ शब्द कहिए, तो उस टाइम जब आप बोलोगे तो आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है स्पीच का, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा जो भी बोलोगे। तो इस डिलीवरी ऑफ स्पीच को ही हम इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। फिर आता है हमारा एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस क्या होता है? इसमें से थोड़ी सी प्लानिंग होती है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है। जैसे इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ नोट्स लिखे हुए होते हैं, कुछ हेडिंग्स लिखी हुई होती हैं, उन हेडिंग्स को फॉलो करते हुए हम अपनी स्पीच को बड़ा कर देते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक, मान लो एक घंटे की स्पीच देनी है, तो पूरी स्पीच में मेमोराइज तो कर नहीं सकता, ना ही मैं पेपर पर लिखूंगा एक घंटे की स्पीच, उसको देख देख के बोलूंगा तो थक जाऊंगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम हेडिंग्स लिख लेते हैं, उन हेडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह से हमारी स्पीच क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो आज के टाइम में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड तरीका है डिलीवरी ऑफ स्पीच का, वो एक्सटेम्पोरेनियस ही है। तो आई थिंक यू माइट हैव गॉट ऑल द फोर वेज ऑफ डिलीवरिंग द स्पीच। थैंक यू वेरी मच फॉर paying your kind attention. See you very soon in the next video. Till then, goodbye, take care and have a nice day.